press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Adda 247. Bell icon dabaiye, Adda 247 ki sari notifications paiye. Adda 247, government job in your pocket. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Adda 247. Bell icon dabaiye, Adda 247 ki sari notifications paiye. Adda 247, government job in your pocket. नमस्कार दोस्तों, हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आप सभी का अड्डा 247 के इस स्पेशल एपिसोड में, जहां हम आपके साथ रेलवेज से रिलेटेड सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उन क्वेश्चंस से इस बार क्या एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है ऐसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को और साथ ही साथ उनके एक्सप्लेनेशंस को आपके साथ डिस्कस करते हैं. सो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. उमंग, योगेंद्र, रोहित, आई कैन सी ऑल ऑफ योर कमेंट्स. आई होप यहाँ पे साउंड क्लियर है, वॉइस क्लियर है और हम शुरू करने के लिए बिल्कुल तैयार है. बट स्टार्ट करने से पहले आज का जो सबसे अहम खबर है, वन ऑफ द बिग न्यूज यू हैव टू से दैट विच टू ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स, कौन से दो ऐसे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स को आने वाले एक साल के लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बैन कर दिया है कोई भी गेम खेलने से, इधर इनसाइड ऑस्ट्रेलिया या फिर कहीं बाहर. तो कौन से दो क्रिकेटर्स को बैन किया है ये आपको स्टार्ट करने से पहले हमें बताना है और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे रेलवेज के क्वेश्चंस के साथ. ओके, यस, आई एम फाइन गाइस, हम बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है. ओके, हाँ बिल्कुल सही. लेकिन जिसने बॉल टैम्परिंग किया था दैट पर्सन, उसको क्योंकि ही वॉज अ न्यू प्लेयर तो उनके कैरियर में ज़्यादा इफेक्ट ना हो, मे बी दैट्स वाई. बट अदरवाइज गाइस, जितने लोगों ने यहाँ पे स्मिथ का नाम मेंशन किया है, वॉर्नर का नाम मेंशन किया है, बिल्कुल सही. द फर्स्ट वन बीइंग द कैप्टन, और उनको जानकारी थी इसलिए. द सेकेंड वन जिन्होंने कहा था कि भैया ऐसा करो, एंड द पर्सन हु एक्चुअली डिड इट, ही वॉज, सिंस ही वॉज अ यंग स्टार, सिंस ही जस्ट स्टार्टेड ऑफ विथ हिज कैरियर, तो इसीलिए दैट पर्सन वॉज नॉट हेल्ड. ठीक है, चलिए तो इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे रेगुलर क्वेश्चन पे और आज के पहला क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे. बट एनी गेसेस, पहला क्वेश्चन किस टॉपिक से रिलेटेड होगा, पहले आप गेस करने का कोशिश कीजिए. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में गाइस अभी लेवल क्या हो गया है, सी टुडे इज द डे 22, राइट. सो विथ एवरी सिंगल डे हमने कोशिश किया है कि लेवल एक स्टेप आगे लेके जाए, एंड सिंस टुडे इज डे 22, काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चंस के लेवल है. देर आर क्वाइट गुड क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, एंड आई होप कि आप सभी लोग उनका आंसर्स हमारे साथ यहाँ पे बिल्कुल शेयर कर सके, ऐसा हम उम्मीद करेंगे. ओके गाइस, चलो. सो पहला क्वेश्चन आपको अब तक गैस कर लेना चाहिए था कि रेलवेज से होगा, क्योंकि अब हमने ये पैटर्न स्टार्ट किया है कि सिंस दिस इज रेलवेज का एग्ज़ाम तो हम शुरू में एक दो क्वेश्चंस पहले रेलवे से रिलेटेड करेंगे. ठीक है, चलो. प्रीवियस ईयर रितेश कुमार, बट पहला एक दो क्वेश्चन किससे करेंगे, रेलवे से रिलेटेड करेंगे. दैट्स द आइडिया गोपिनी, दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू प्रोसीड आने वाले दिनों में, पहले रेलवेज के फिर आगे. ठीक है, एटलीस्ट दो तीन क्वेश्चन हम रेलवे से करेंगे. चलिए सबसे पहले क्वेश्चन में अब हम आते हैं. सो लेट अस हैव ऑन आवर स्क्रीन आज का सबसे पहला क्वेश्चन. सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है इंडियाज फर्स्ट नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन यूनिवर्सिटी इज इन. भारत का पहला नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन यूनिवर्सिटी कहाँ पे स्थापित किया जाने वाला है, और ऑलरेडी द प्रोसेस हो चुका है, ऑलरेडी स्थापित किया जा चुका है लगभग, तो आपको ये बताना है कि कहाँ स्थित है. ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसा भी हो सकता था कि नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन यूनिवर्सिटी कहाँ पे स्थित है. ओके, तो यहाँ पे जितने लोग आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, जितने लोग यहाँ पे वडोदरा आंसर कर रहे हैं, ऑल दोज आंसर्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट. और गाइस, क्योंकि यहाँ पे वडोदरा है, बट अदरवाइज अगर स्टेट का नाम होता, क्योंकि बाकी आप देख रहे हो एक्सेप्ट वडोदरा जो आपका हैदराबाद है,
ठीक है, वो तो चलो ठीक, तेलंगाना, हैदराबाद, राजस्थान स्टेट का नाम दिया हुआ है, मुंबई, महाराष्ट्र, ठीक है, तो यहाँ पे मिक्स किया गया है स्टेट एंड अदरवाइज योर डिस्ट्रिक्ट्स. अगर आपको यहाँ पे डायरेक्टली मिलता किसी स्टेट का नाम, तो बड़ोदरा के साथ कौन सा स्टेट होता, ये आपने बताना है. ठीक है, तो उसको हमारे साथ बिल्कुल सही पप्पू कुमार ने सही आंसर दिया है, वडोदरा, गुजरात, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. चलिए लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास. गाइस, ये जो क्वेश्चन है, पहला वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट था, और ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एक ऐप है जिसका नाम क्या है, स्फूरी. ठीक है, स्फूरी एक ऐप है, इट इज़ एन एप्लीकेशन, और आपको बोलना है कि रेलवेज का ये जो ऐप है स्फूरी, ये किससे रिलेटेड है, इसका फुल फॉर्म क्या है, दैट इज़ व्हाट यू हैव टू से. स्फूर्ति, ठीक है, स्फूरी क्या होता है, स्फूर्ति. तो स्फूर्ति वैसे तो मतलब खुशी होता है, स्फूर्ति या फिर हैप्पीनेस, बट स्फूर्ति का फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना है. ठीक है, तो ऑप्शंस में गाइस क्या क्या दिया हुआ है, SSC CGL में अभी थोड़ा सा टाइम है उदय कुमार, दैट्स वाई. ओके, सो ऑप्शंस देख लेते हैं, स्मार्ट फ्रेट ऑपरेशन, ऑप्टिमाइजेशन एंड रियल टाइम इन्फॉर्मेशन. ठीक है, दूसरे में भी स्मार्ट फ्लाइट ऑपरेशन दिया हुआ है, फ्लाइट, और मैंने आपको ऑलरेडी हिंट दे दिया है कि रेलवेज है, तो फ्लाइट को छोड़ दो. नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में, स्मार्ट फ्लाइट ऑप्टिमाइजेशन ऑपरेशन एंड रियल टाइम इन्फॉर्मेशन. अब देखो ऑप्शंस तो इंग्लिश में ही मिलेंगे ना, कैसे भी आपका क्वेश्चन हिंदी में भी होता तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपको इंग्लिश में ही मिलता. तो ऑप्टिमाइजेशन ऑपरेशन क्या होता है, ठीक है, तो इस तरीके से सोचना, इवन इफ इट इज़ इन इंग्लिश, थिंक इट इज़ ऑपरेशन ऑप्टिमाइजेशन, कि ऑपरेशन को बेस्ट वे पॉसिबल, जितना अच्छा तरीके से हो सकता है उतने अच्छे तरीके से आगे लेके जाना. तो इसीलिए सी में अगर आप सेंटेंस रीअरेंजमेंट की तरह वर्ड रीअरेंजमेंट का बात करो तो वो गलत है. ठीक है, और जो ऑप्शन नंबर डी है, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन ऑपरेशन, वो भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया. तो आप सिर्फ ऑप्शन से गाइस यहाँ पे सही आंसर कर सकते हो. कुछ लोग सी बोल रहे हैं, कुछ लोग ए बोल रहे हैं, सो ऑल दोज पीपल जो यहाँ पे ए आंसर कर रहे हैं, स्फूर्ति का फुल फॉर्म, दैट इज करेक्ट. ठीक है, और सी में दिक्कत ये था कि ऑप्टिमाइजेशन ऑपरेशन, तो ये आपका बेसिक इंग्लिश है कि ऑपरेशन को हम ऑप्टिमाइज करते हैं. ठीक है, जैसे देखो हम क्या करते हैं, मैथ्स कैलकुलेशन. ओके, मैथ्स कैलकुलेशन, अब कैलकुलेशन मैथ्स होता तो क्या होता, ठीक है, तो इस तरीके का. फूड, ईट फूड, फूड ईट होता तो क्या होता, ठीक है, तो इस तरीके का है, इसीलिए सी नहीं होगा. ठीक, अदरवाइज भी फुल फॉर्म का क्वेश्चन है तो याद रख सकते हो. ये सिर्फ मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जिन्हें कन्फ्यूजन होता है, उनके लिए. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेलवेज हैज अपॉइंटेड विच ऑफ द फॉलोइंग एज नोडल एजेंसी फॉर स्टेशन रीडेवलपमेंट प्लान. रेलवेज ने निम्नलिखित में से किसे अपॉइंट किया है एक नोडल एजेंसी के हिसाब से, किस काम को करने के लिए, स्टेशन को रीडेवलप करने के लिए. देखो जैसे कुछ स्टेशन तो आपका ब्रिटिशर्स के टाइम का ही है, ठीक है, अगर आप कभी सिलीगुड़ी गए हो तो वहाँ पे जो बगल से छोटा लाइन जा रहा है स्टीम इंजन वाला, ठीक है, जहाँ से आपका टॉय ट्रेन रन करता है, दैट इज़ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट एट दिस मोमेंट, और वो बहुत पुराना है, ब्रिटिश के टाइम का है गाइस. ठीक है, तो ओके, ओके, अभी लोकेशन थोड़ा इधर उधर हो गया, हम इस तरफ आ गए और वो ओके, सो दिस इज़ द बोर्ड नाउ, फाइन, नो इश्यूज. तो आपको ये बताना है कि रेलवे हैज़ अपॉइंटेड विच ऑफ द फॉलोइंग एज अ नोडल एजेंसी फॉर स्टेशन रीडेवलपमेंट. तो इस क्वेश्चन का आंसर हम आपके कमेंट्स को भी इधर कर लेते हैं ताकि हमें आपके कमेंट्स दिखते रहे. ओके, तो बहुत लोगों ने यहाँ पे आंसर किया है ऑप्शन नंबर बी. ओके गाइस, चलिए ऑप्शंस को देखते हैं. पहला क्या है, इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है. दूसरा क्या है, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड.
तीसरा क्या है रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, चौथा क्या है IRCTC। देखिए IRCTC तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता है, डी को निकाल दो। उसके बाद जो ऑप्शन नंबर बी और सी है, ध्यान से देखना, ऑप्शन नंबर बी एंड सी, ठीक है, जो बी एंड सी है दैट इज फॉर इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड एंड रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगर आप दोनों को मिला दो तो जो आपको मिलेगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इसके अंदर ये दोनों लोग काम करेंगे, ए के अंदर बी एंड सी काम करेंगे और काम करके क्या करेंगे आपका स्टेशन का रीडेवलपमेंट करेंगे। सो गाइस व्हाट विल बी आर करेक्ट आंसर इन दिस केस, इस क्वेश्चन में हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दीक्षांत गुप्ता, प्रदीप गुप्ता, आंसर्स आर बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज गुलाटी इट्स एब्सोल्युटली फाइन, IRCTC आपका केटरिंग डिवीजन है, इंडियन रेलवे केटरिंग, प्लस साथ ही साथ आप यहाँ पे अपने टिकट्स भी बुक कर सकते हो, ठीक है। चलिए लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब हम तीन क्वेश्चन हमने किसके किए हैं, रेलवेज के कर लिए हैं, और उसके बाद अब बाकी क्वेश्चन करने जा रहे हैं। गाइस प्लीज लिसन केयरफुली, अगर आपको गवर्नमेंट स्कीम में इन द सेक्शन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स और इन द सेक्शन ऑफ बजट जो अभी आपका करेंट अफेयर्स में काफ़ी ज़्यादा है, और इन द केस ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स, ठीक है, मतलब तीन, एक गवर्नमेंट स्कीम हो गया, एक आपका बजट हो गया, एंड वन मोर इज योर क्या कहा हमने एग्रीकल्चर, इन तीनों टॉपिक से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मुझे आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड बताना हो तो हम आपको बताएंगे अबाउट ऑपरेशन ग्रीन। ऑपरेशन ग्रीन के बारे में हम आपको बताएंगे, क्योंकि जिस तरीके से एक ज़माने में अबाउट द ग्रीन रिवोल्यूशन पूछा जाता था, उस तरीके से इस ज़माने में 2018 में आपको पूछा जाएगा अबाउट ऑपरेशन ग्रीन, ठीक है। आप सभी लोगों को पता है कि ग्रीन रिवोल्यूशन पूछा जाए तो आपको रिलेट करना है ज़्यादातर वीट से, ठीक है, दाल वगैरह से, पल्सेस से रिलेट नहीं करना है, और उसी तरीके से ऑपरेशन ग्रीन पूछा जाए तो किससे रिलेट करोगे, टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो या फिर ऑल ऑफ द अबव। वेरी गुड, आई कैन सी कुछ लोग यहाँ पे टोमेटो लिख रहे हैं एंड सम ऑफ यू आर ऑल्सो राइटिंग, मोस्ट ऑफ यू आर राइटिंग ऑप्शन नंबर डी। सो ऑपरेशन ग्रीन ये क्या है, गवर्नमेंट के तरफ से ये एक इनिशिएटिव है, इसे 50 करोड़ से ज़्यादा पैसे दिए गए हैं इस पूरे स्कीम में, सो दैट दी प्राइसेस यानी कि दाम, दी प्राइसेस ऑफ टोमेटो, ऑनियन एंड पोटैटो कैन बी रेगुलेटेड बाय दी गवर्नमेंट, यानी कि अगर इनका दाम कम हो रहा है, जितना मैंने अगर मैंने मान लो 1 kg पोटैटो मार्केट में बेचने को निकाला, ठीक है, अब 1 kg पोटैटो का क्या दाम है, अभी तो आपका 10 रुपये किलो चल रहा है, 10 रुपीज़ पर किलो चल रहा है, ठीक है, बट मैं एक किसान हूँ, मुझे इस पोटैटो को उगाने में लगा था 20 रुपये किलो, तो आप सोचो जिसे मैंने 20 रुपये किलो उगाया उसे मैं 10 रुपये किलो बेच रही हूँ, क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं। तो गवर्नमेंट मुझे ये नहीं इंश्योर करेगी कि मार्केट में मुझे 20 रुपये ही मिले, गवर्नमेंट मुझे ये इंश्योर करेगी कि बेटा आपने पोटैटो उगाया है, हम आपसे पोटैटो खरीद लेते हैं, हम आपको इनटू 1.5 देंगे, मतलब आपका जितना भी पैसे लगे आलू को उगाने में उससे 1.5 गुना हम आपको ज़्यादा देंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि इनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं। नवरात्रि रिसेंटली चल रहा था तब प्राइसेस आपका 15 रुपये किलो आ गया था, बट उससे पहले ऑनियंस एक ज़माने में आई ऑल्सो रिमेंबर जब ये 120 रुपीज़ किलो तक चला गया था, राइट, सो दैट इज़ वाई इट नीड्स टू बी रेगुलेटेड एंड योर आंसर्स विल बी ऑप्शन नंबर डी। तो जितने लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी लिख रहे हैं बिल्कुल सही है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मधुमलाई सेंचुरी इज फेमस फॉर, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अब तक जितने क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था वो बहुत इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन है, सिलेबस में क्या दिया हुआ है रेलवे का, GS दिया हुआ है,
और जीएस में साइंस में हमने बहुत सारे ऑलरेडी क्लासेस किया है, बट साथ ही साथ आपने कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन किया होगा, एसएससी वगैरह, तो आपने भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा. बट ये जो जीके विथ रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर्स है, और वो भी रेलवेज के हिसाब से, तो उसके हिसाब से हम स्पेसिफिक क्वेश्चंस को लेके आए हैं, स्पेशली रेलवे के करंट अफेयर्स. ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि मधुमलाई सेंचुरी किसके लिए फेमस है. क्वेश्चन हमारे पास हिंदी में भी है, एक बार दिखा दिया जाए. ओके, तो नेक्स्ट लाइन में एक बार चलते हैं. मधुमलाई वन्य जीव अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है. यानी कि ये आपका शेर के लिए प्रसिद्ध है, हाथी के लिए प्रसिद्ध है, पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, या फिर जोन के लिए प्रसिद्ध है. ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, लेट अस सी क्या आंसर किया है. वेरी गुड. ओके, कुछ लोग एलिफेंट्स भी लिख रहे हैं, कुछ लोग ऑप्शन नंबर बी पक्षी लिख रहे हैं. गोट के लिए तो आई डोंट थिंक देर इज़ एनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. और जितने लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी लिख रहे हैं, जितने लोग यहाँ पे शेर लिख रहे हैं, डी इज द करेक्ट आंसर. अब देखो, एक क्वेश्चन ये हो गया प्रीवियस ईयर से, तो दो क्वेश्चन हमें ऐसा करना पड़ेगा अभी करंट अफेयर्स से, तभी हमारा दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो ये कहाँ पे स्थित है गाइस, ट्राई टू टेल कि ये कहाँ पे स्थित है. तो मधुमलाई, अन्नमलाई, बताओ मधुमलाई अन्नमलाई, भाई भाई, सो टेल मी द स्टेट जहां पे ये स्थित है. ओके, टाइगर के लिए बिल्कुल सही. आई हैव गिवन यू द हिंट गाइस. ओके, आई एम वेटिंग फॉर वन पर्सन टू राइट द करेक्ट आंसर एंड आई विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सिर्फ तमिलनाडु यहाँ पे थंबोर ने लिखा है, तमिलनाडु, बहुत से लोगों ने अब लिख दिया है तमिलनाडु. वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ. ओके, एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सतकोसिया टाइगर रिजर्व इज इन विच स्टेट. अब वो एक आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था और ये आपका एक करंट अफेयर्स है. अब दुनिया में जितने भी टाइगर रिजर्व है आप उसे नहीं याद कर सकते हो, राइट? कर भी सकते हो वैसे, एक मैप बना लेना इस तरीके से. ठीक है, तो एक दो तो आप याद कर ही सकते हो. ठीक है, अरुणाचल में क्या है, असम में क्या है, इस तरीके से जो आपको इजी लगे वो आप कर सकते हो. तो इसमें से सतकोसिया टाइगर रिजर्व इसीलिए न्यूज में है क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि ऐसा करते हैं, मध्य प्रदेश से कुछ टाइगर्स को अपने यहाँ लेके आते हैं क्योंकि हमारे यहाँ अच्छा खासा टाइगर का खाने के लिए भोजन है. ठीक है, सो वी कैन फीड द टाइगर्स गुड इन दिस टाइगर रिजर्व, दैट इज द सतकोसिया टाइगर रिजर्व. सो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, प्लीज गिव अस सम टाइगर्स एंड वी विल इंश्योर दैट दे आर सेफ एंड वी विल ऑल्सो इंक्रीज द पॉपुलेशन इन साइड दिस टाइगर रिजर्व. एंड दैट इज एन ऑप्शन नंबर ए. वेरी गुड गाइज, दैट इज इन उड़ीसा. सो सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज उड़ीसा में है. ठीक है, चलिए इसके साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ. ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अभी यहाँ पे आने वाला है. मध्य प्रदेश से मंगवाए हैं इन लोगों ने टाइगर्स कि हमें कुछ टाइगर्स दे दो, हम अपने यहाँ पालेंगे पोसेंगे. ठीक है, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिमलीपाल टाइगर रिजर्व. एक वो भी टाइगर से रिलेटेड क्वेश्चन था और ये भी एक टाइगर से रिलेटेड क्वेश्चन है. सिमलीपाल टाइगर रिजर्व इज इन विच स्टेट. कौन से स्टेट में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व स्थित है. ठीक है, असम में क्या क्या है आपका, जो ऑप्शन नंबर डी है, असम में यहाँ पे नामदफा है, देन देर इज योर मानस टाइगर रिजर्व. ठीक है, एंड उत्तराखंड में आपका कॉर्बेट है. तो इसके साथ बताइए कि कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा. ओके, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे उत्तराखंड में कॉर्बेट, दैट इज द ओल्डेस्ट वन, अदरवाइज उड़ीसा. वेरी गुड, तो जितने लोग यहाँ पे उड़ीसा लिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए लिख रहे हैं, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए यानी कि उड़ीसा, दैट इज सिमलीपाल टाइगर रिजर्व. तो ए गाइस बिल्कुल सही है, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आपने, बिल्कुल सही बताया. नामदफा जो है, यस बहुत सही, थैंक यू सो मच फॉर करेक्टिंग मी. नामदफा इज इन अरुणाचल प्रदेश एंड मानस इज इन असम. बिल्कुल सही आपने बताया, नामेरी इज ऑल्सो इन असम.
ना मेरी चाय पत्ती का भी है, दैट इज़ इन असम. उत्तराखंड में क्या है? कॉर्बेट है उत्तराखंड में. ठीक है, तो बिल्कुल सही आपने बताया दैट अरुणाचल प्रदेश में इट इज स्थित. ओके ओके, चलो लेट अस कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं. ओके, किरण कुमार ओझा यहाँ पे लिख रहे हैं, प्लीज टेक माई नेम. चलिए ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज नोन एज द फादर ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग इन इंडिया. रिसेंटली इनका निधन हो गया था, रिसेंटली दिस पर्सन डाइड एंड ही इज नोन एज द फादर ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग इन इंडिया. साथ ही साथ याद कीजिएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था फादर ऑफ बोटानी, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी. ये तीन रेलवेज के पेट क्वेश्चंस हो सकते हैं, इनको आप बार बार रिपीट होते हुए देख सकते हैं. अब इसके साथ मैंने एक फोर्थ क्वेश्चन जोड़ दिया है, दैट इज हु इज नोन एज फादर ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग इन इंडिया. ठीक है, अब देखो जो आपका बाकी सारे नाम है, जैसे कि होमी जहांगीर बाबा ही इज फॉर, उन्होंने क्या किया था यहाँ पे, अदरवाइज एक स्पेस रिसर्च सेंटर के साथ आप इनका नाम एसोसिएट कर सकते हो, राइट. APJ अब्दुल कलाम का नाम भी आप एसोसिएट कर सकते हो. एडम स्मिथ इकोनॉमी के लिए आप रिलेट कर सकते हो, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. तो बच गए कौन? ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड. ऑप्शन नंबर ए गाइज इज द एब्सोल्यूटली करेक्ट आंसर, दैट इज लालजी सिंह, हु रिसेंटली पास्ड अवे कुछ टाइम पहले. और इसीलिए ये क्वेश्चन हो सकता है अभी एट प्रेजेंट सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द फादर सेक्शन. ठीक है, जो आपको फादर ऑफ, जितने लोग यहाँ पे थियोफ्रेस्टस का नाम लिख रहे थे, बिल्कुल सही, दैट इज फॉर योर कौन सा, बोटानी एंड नॉट जूलॉजी. जूलॉजी के लिए नहीं, ठीक है, जूलॉजी के लिए क्या हो जाएगा, एरिस्टोटल. इसे हमने फर्स्ट क्लास में ही क्लियर कर दिया था, बट फिर भी आप लोग देख पा रहे हो कि कुछ लोग चैट बॉक्स में अभी भी गलत कर रहे हैं. ठीक है, तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू नो दैट. ओके, एंड एटॉमिक एनर्जी के लिए होमी जहांगीर भाभा से सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज बार्क का फुल फॉर्म और बार्क इसरो वगैरह का हेडक्वार्टर्स, जो हमने एक क्लास में किया था. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फंगल एपिडेमिक इन व्हीट. देखो, ह्यूमन से रिलेटेड काफ़ी सारे डिजीजेस हमने देखे थे, जिसमें कि हमने देखे थे कि ह्यूमन से रिलेटेड कौन सा वायरस होता है, फिर आपका स्वाइन फ्लू से रिलेटेड वायरस का नाम क्या है, बर्ड फ्लू से लेके वायरस का नाम क्या है, या फिर उसको कौन सा टैग से बुलाया जाता है, जैसे कि H1B1 एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, तो अब आपको बताना है दैट फंगल एपिडेमिक इन वेस्ट कोस्ट इन व्हीट कॉस्ट, मतलब व्हीट होता है ना, आटा होता है, आटे का जो आपका ये प्लांट होता है, जो आपका स्टेम होता है. ठीक है, इन दिस स्टेम देर कैन बी सम रस्टिंग काइंड ऑफ अ थिंग. यहाँ पे कुछ येल्लो येल्लो कलर का पिगमेंट आपको देखने को मिल सकता है, जो कि एक बीमारी होता है जो कि फंगस कॉज करता है. ओके, एंड वॉट इज द नेम ऑफ द सेम फंगल एपिडेमिक, इसे हम क्या बोलते हैं, ये आपको बताना है. SR35 इज द नेम ऑफ द जीन गाइस, और प्रदीप कुमार नाबे 15, दैट इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट आंसर, बट दिस इज ऑल्सो इन करेंट अफेयर्स, ये भी आप पता कर सकते हो कि क्या चीज़ है. बिल्कुल करेंट अफेयर्स से ही है सारे ऑप्शंस. और जो युगांडा 99 है, जो ऑप्शन नंबर ए है, UG99, दैट इज द करेक्ट आंसर. युगांडा में 1999 को, युगांडा में 1999 को ये डिजीज का सबसे पहले पता लगा था. एंड दिस डिजीज हैड द पोटेंशियल ऑफ इफेक्टिंग 90% ऑफ द व्हीट वर्ल्ड वाइड, अगर गलती से ये स्प्रेड होता है. जैसे कि आपको पता है कि बर्ड फ्लू अगर स्प्रेड होता है तो एक बर्ड से पूरे बर्ड के पॉपुलेशन में बर्ड फ्लू स्प्रेड हो जाता है, उसी तरीके से अगर ये डिजीज़, ये फंगल एपिडेमिक जो कि गेहूं को होता है, अगर ये स्प्रेड हुआ तो इसका पोटेंशियल क्या है कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में 90% व्हीट प्लांट्स को ये इफेक्ट कर सकता है. ठीक है, और न्यूज़ में ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ पार्ट्स में
आने के बारे में भी हमने एक दो बार ऑब्जर्व किया था. सो दिस इज़ अ वेरी डेडली थिंग. ये होने से आप सोचो फूड सिक्योरिटी का क्या हाल होगा. और जितने लोग यहाँ पे UG99 लिख रहे हैं, दैट इज़ द एब्सोल्यूटली करेक्ट आंसर. ओके, चलो लेट अस कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं. वॉट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ WMO? WMO का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है. WHO भी पूछा जा सकता है, जिसका फुल फॉर्म सभी लोगों को पता है, इट इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, अब बचपन में एक जोक था ना कि ये है W और ये W उल्टा हो गया, M हो गया और ये O. तो W उल्टा W एंड O, WMO का फुल फॉर्म क्या है, दिस इज़ वॉट यू हैव टू से. गाइस, जो क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में ज़्यादातर सेम रहेगा उसको हमने यहाँ पे बस स्किप कर दिया है और बाकी इज़ कंटिन्यूइंग एज इट इज़. ठीक है, ओके ओके. तो पहला मैप ऑर्गेनाइजेशन नहीं, मैंगो ऑर्गेनाइजेशन, ये तो और कोई ऑप्शन हमें मिल नहीं रहा था, तो हमने इसको, आप पूरी तरीके से इसको इग्नोर कर सकते हो. वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, सी जितने लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, दैट इज़ द एब्सोल्यूटली करेक्ट आंसर. जिन क्वेश्चंस में आपका दोनों में होना ज़रूरी है वो आपका दोनों में है, डू नॉट वरी. और जो आपका सेम रहेगा हिंदी और इंग्लिश में वो आपका इंग्लिश में है. ओके, बट साथ ही साथ सिंस आई एम एक्सप्लेनिंग इन हिंदी एज वेल, सो आई गेस कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर. चलो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर हमारे सामने जो है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUCN? गाइस, IUCN का रेड डेटा बुक के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा, रेड डेटा बुक. तो यहाँ पे क्या है, जो स्पीसीज अभी कम हो रही है, एंडेंजर्ड स्पीसीज का नाम आपका इसमें लिस्ट किया जाता है, अलग अलग कैटेगरीज में स्पीसीज को रेट किया जाता है और बताया जाता है कि कौन सा स्पीसीज कितने पॉपुलेशन में है, कौन सा स्पीसीज कम होता जा रहा है, कौन एक्सटिंक्ट हो सकता है. ठीक है, एक बात बताइए, जितने लोग यहाँ पे दिल्ली से है वो हमारे साथ एक बात शेयर कर सकते हैं कि दिल्ली में हम कबूतर बहुत देखते हैं, राइट, वी सी अ लॉट ऑफ पिजन्स, बट टेल मी द स्पीसीज ऑफ द बर्ड्स जो कम होते जा रहे हैं, जो हमें बहुत कम दिखने लगे हैं दिल्ली में, बिकॉज द स्पीसीज ऑफ पिजन्स आर इंक्रीजिंग और बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन. पिजन तो बहुत देखने को मिल रहा है, बट बाकी और कौन कौन से बर्ड दिखते हैं और कौन कौन से बर्ड काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं, ये आपको, अगर आप दिल्ली से हैं तो ये भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो. ओके, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं. इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड नेचर. ठीक है, नॉर्मली IUCN को इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड नेचर ही कहा जाता है नॉर्मली, बट इसका जो ऑफिशियल नेम है, वैसे तो चलो ऑप्शन में कहीं दिया नहीं है, और वैसे भी इसका जो ऑफिशियल नेम है दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस. तो हमारा सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइज, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर. वैसे भी दूसरे ऑप्शन में चलो कॉरपोरेट लिखा हुआ था, तो IUCN नेचर कॉरपोरेट को हटा दो, नेचर एंड ऑयल रिसोर्सेज उसको भी हटा दो, चाइल्ड न्यूट्रिशन उसको भी हटा दो. ठीक है, और याद रखना, अगर इन द एग्जाम यू डू नॉट गेट इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, तो फिर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड नेचर में टिक लगा देना. बट अगर नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स हो, देन दिस इज द ऑफिशियल नेम एंड दिस इज द करेक्ट नेम. ठीक है गाइज, सो ए इज द करेक्ट आंसर. स्पैरो, वेरी गुड. यहाँ पे बहुत लोग लिख रहे हैं, कुणाल, रौत, किरण, आदित्य, येस, बिल्कुल सही. स्पैरो का पॉपुलेशन काफ़ी कम हो गया है. अजय चौधरी, बिल्कुल सही. क्रो का पॉपुलेशन भी कम हो गया है. एंड स्वागत रे, येस, एयर पोल्यूशन आपका इंक्रीज हुआ था रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा. ठीक है, चलो, पोलर बियर तो यहाँ मिलता नहीं है ऋषभ कुमार, सो दैट्स नॉट पॉसिबल. चलो, सो लेट अस कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. हम आगे चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयर प्यूरिफायर हैज बीन बिल्ट बाय. अभी अभी दिल्ली के बारे में डिस्कस किया था थोड़ा सा, अब बताना है कि रिसेंटली लास्ट एडिशन ऑफ साइंस रिपोर्टर जो हमने डिस्कस किया था, वहाँ पे भी कहा जा रहा था कि वी आर ट्राइंग टू मेक मोर एयर प्यूरिफायर्स, ज़्यादा एयर प्यूरिफायर्स हम बनाने का कोशिश कर रहे हैं.
ठीक है, लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा सबसे लार्जेस्ट एयर प्यूरिफायर किसने बनाया है, कौन बना सकता है, ये सोचो। पड़ोसी ही है अपना, किसी पड़ोसी का नाम सोचना, सम नेबर ऑफ आर्स। वेरी गुड गाइस, जितने लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी लिख रहे हैं, चाइना लिख रहे हैं, दैट इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। एयर पोल्यूशन इन इंडिया, सो एयर प्यूरिफायर मेड बाय चाइना कैन आल्सो बी इक्वली इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो जो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, पन्ना डायमंड की खदान कहाँ स्थित है। इसका मतलब आपको बताना है, एक बार हम आ जाएंगे इंग्लिश में भी क्वेश्चन में, तो आपको बताना है वेयर इज द, ओके इससे जस्ट पहले एक बार देख लीजिए कंप्यूटर जी कि क्या हमारे पास इंग्लिश में क्वेश्चन था कि पन्ना आपका जो लोकेशन है जहाँ पे हीरा निकलता है, जहाँ पे डायमंड्स निकलते हैं, वो कहाँ पे स्थित है। ओके, क्या होगा आंसर, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। एक गाना था ना, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, तो इस लाइन से आप याद रख सकते हो कि पन्ना इज फेमस फॉर क्या, हीरा, डायमंड। एंड आई होप बिकॉज ऑफ दिस गाना यू विल नेवर फॉरगेट दिस, दैट पन्ना इज फॉर डायमंड। ओके, एंड यस गाइज, जितने लोग यहाँ पे मध्य प्रदेश लिख रहे हैं, MP लिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी लिख रहे हैं, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, अब क्वेश्चन सिर्फ हिंदी में था, ये वाला क्वेश्चन आपका इंग्लिश में नहीं था, ठीक है, सो जस्टिफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ज्वल स्वावलंबन अभियान, ये आपका एक प्रोजेक्ट है, ये आपका एक इनिशिएटिव है, ठीक है, जो फेजेस में आपका लॉन्च करता है, कौन सा स्टेट गवर्नमेंट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड जल स्वावलंबन अभियान। अब स्वावलंबन से रिलेटेड आपका अटल पेंशन स्कीम वगैरह भी है, बट दिस वन इज फॉर पानी, कि हमें किसी से पानी ना मांगना पड़े, हमारा गांव, हमारा कस्बा, हमारा स्टेट, आपका हमारा डिस्ट्रिक्ट क्या हो, जल से सफिशियंट हो, सो दैट इज जल स्वावलंबन। ओके, सो ट्राई टू गिव मी द करेक्ट आंसर। तेलंगाना, हाँ वहाँ पे भी पानी की कमी है, समर्स में पानी का कमी हो जाता है, बट दिस इज़ अ स्टेट आई रियली एडमायर, ये वो आंसर है इस क्वेश्चन का, जो स्टेट मैं बहुत ज़्यादा इसलिए एडमायर करती हूँ पर्सनली, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्कीम्स आर रन हियर इतने अच्छे से, एंड दे गेट सच पॉजिटिव आउटपुट ऑफ ऑल द स्कीम्स, ऑफ मोस्ट ऑफ द स्कीम्स जो ये स्टेट गवर्नमेंट अपटेक करती है। ओके, एंड आई, ओके फाइन, वेरी गुड, बहुत लोगों ने यहाँ पे सही आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज राजस्थान। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, राजस्थान इज द करेक्ट आंसर। ओके गाइज, चलिए लेट अस कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा ये उसी का इंग्लिश हमारे पास आ गया, मिल गया, पन्ना डायमंड माइंस आर लोकेटेड इन, पन्ना इज फेमस फॉर पूछा जाता, देन बी डायमंड माइंस, अदरवाइज योर डी, दैट इज मध्य प्रदेश, ठीक है, नो डाउट। चलो लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, और साथ ही साथ अगर पसंद आ रहा है तो लाइक भी करते जाओ, ठीक है, सो लाइक द सेशन, ऐसे जो थम्स अप करके जो एक बटन है उसको प्रेस कर दो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आप आंसर्स कर रहे हो, नहीं तो फिर आप यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख सकते हो कि क्या दिक्कत है, क्या आपको समस्या आ रहा है समझने में, एंड आई विल ट्राई टू आंसर देम। ओके, चलो, Which of the following is the poorest state in India? भारत में सबसे जो आपका poorest state है वो कौन सा है, ये आपका एक previous year question है, तो एक बार question हिंदी में भी दिखा दिया जाए। निम्न में से कौन सा भारत का निर्धन राज्य है, कहने को यहाँ पे निर्धन word है, but guys let me tell you, this is the state जहाँ पे मोस्ट ऑफ द माइनिंग एक्टिविटीज टेक प्लेस, और नेचुरल रिसोर्स से भरा हुआ है ये स्टेट, आप सोच भी नहीं सकते हो कि इसका आंसर ये होगा। ओके, बहुत लोग यहाँ पे आंसर गलत लिख रहे हैं, हम आपसे कह रहे हैं आप सोच भी नहीं सकते हो कि आंसर ये होगा, या फिर कम लोग सोच पाएंगे, बिकॉज दिस इज अ रियली रिच स्टेट इन टर्म्स ऑफ नेचुरल मिनरल्स, ठीक है। अब अगर हम नेचुरल मिनरल्स की बात करें तो साउथ अफ्रीका इज ऑल्सो वेरी रिच, बट हालत देखो, ठीक है, आप चॉकलेट प्रोडक्शन वाले जगह के बारे में सोचो, वहाँ पे भी आप देखो कि जहाँ से प्रोडक्शन हो रहा है वही लोगों का हालत ख़राब है। सो प्लेसेस विथ नेचुरल रिसोर्सेस, एंड गाइस यहाँ पे आई कैन सी मोस्ट ऑफ यू राइटिंग बी
एंड मेनी ऑफ यू राइटिंग सी एज वेल. सो सिंस आई गेव यू द हिंट, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज उड़ीसा, जितने लोग लिख रहे हैं दैट इज एब्सोल्यूटली करेक्ट. ठीक है, उड़ीसा ए, ओडिशा इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन हिंदी में भी आ गया है, तो आपका दोनों ही तरीके से ए इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, लेट अस प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द मोस्ट साइक्लोन प्रोन एरिया इन इंडिया. भारत में, ठीक है, रिलेटेड क्वेश्चंस को हमने एक साथ रखा है, तो भारत में सबसे ज्यादा साइक्लोन होने की संभावनाएं कौन से एरिया में है. ठीक है, अब जो आपको दिए गए ऑप्शन हैं, कोस्टल उड़ीसा, कोस्टल केरला, कोस्टल महाराष्ट्र को आप निकाल सकते हो, ठीक है, वहाँ काफ़ी कम है, और कोस्टल गुजरात. ठीक, नाउ लेट अस कम टू द हिंदी वर्जन एज वेल, क्वेश्चन हम हिंदी में भी एक बार देख लेते हैं. भारत का सबसे बड़ा चक्रवात वाला इलाका या फिर जहाँ पे साइक्लोन्स सबसे ज़्यादा होता है उसका नाम बताएं. उड़ीसा तट, केरला तट, महाराष्ट्र तट या फिर गुजरात तट, क्या होगा आपका सही आंसर? बहुत लोग यहाँ पे ए लिख रहे हैं गाइज, जितने लोग ए और डी के बीच कंफ्यूज हो रहे हैं, ये कंफ्यूजन बिल्कुल जेन्युइन है, बिल्कुल सही है. महाराष्ट्र कतई वैलिड नहीं है, जितने लोग महाराष्ट्र लिख रहे हैं ये आपका 50-50 से बाहर हो. आप अगर आप ए और डी में हो तो आप 50-50 पे हो, तो ए और डी में से आप आंसर कर सकते हो. ठीक है, उड़ीसा हो गया, ठीक है, फिर आपका आंध्र प्रदेश हो गया, फिर आपका इधर से ईस्टर्न पार्ट ऑफ गुजरात हो गया. ठीक है, सो दोज आर द रीजन्स जहाँ पे ज़्यादा कोस्टल आपका क्या होता है, साइक्लोन्स वगैरह हो सकता है. ठीक है, अब इसमें से आंध्र प्रदेश तो ऑप्शन में है ही नहीं, सो इन दैट केस वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, तो ऑल दोज पीपल जो यहाँ पे ए लिख रहे हैं, उड़ीसा का कोस्टल रीजन लिख रहे हैं, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है, यू कैन ऑल्सो टेल मी कि यहाँ पे अगर साइक्लोन्स को आपको रिड्यूस करना है, विच इज़ द बेस्ट वे, कौन सा सबसे अच्छा तरीका है. कि आप देखो, साइक्लोन्स को तो नहीं रोक सकते हो, जैसे कि आप भूकंप को तो नहीं रोक सकते हो, बट अपना घर तो मजबूत बना सकते हो. ठीक है, सो उसी तरीके से साइक्लोन्स तो चलो आ रहे हैं, उस पर आपका कोई जोर नहीं है, बट आप क्या कर सकते हो यहाँ पे कोस्टल रीजन में, आप क्या कर सकते हो, या फिर वेस्ट बंगाल में क्या है जिसके वजह से इम्पैक्ट या फिर इफेक्ट को कम कर सकते हो, ये आप मेरे साथ यहाँ पे शेयर कर सकते हो. ओके, चलो, मैंग्रोव, वेरी गुड. यहाँ पे मयूर लिख रहे हैं दैट इट इज योर मैंग्रोव फॉरेस्ट, अगर वहाँ पे ज़्यादा हो तो फिर मैंग्रोव्स के वजह से आपका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है. वेरी गुड, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है. ट्री प्लांटेशन आप पहाड़ में कर सकते हो, जिसने यहाँ पे आंसर लिखा है ट्री प्लांटेशन, दैट यू कैन डू इन ऐसे जगह जहाँ पे सॉइल इरोजन हो रहा है. ठीक है, द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन टर्म्स ऑफ एरिया इज, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिसमें से आपको बताना है विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन टर्म्स ऑफ एरिया. ठीक है, जहाँ हम हैं वही है. ओके, हिंदी में दिखा दीजिए एक बार क्वेश्चन कंप्यूटर जी. लिखा गया है कि क्षेत्र के हिसाब से आपका सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, ये आपको बताना है. ठीक है, ओके, सो ट्रिक क्या है, ए ए, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर अगेन ए ए. ठीक है, ओके ओके, तो एशिया, बिल्कुल सही, जहाँ पे हम हैं, जहाँ पे इंडिया है, जहाँ पे आपका एशिया है, दैट इज द लार्जेस्ट. सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, देन यू कैन ऑल्सो गो अहेड एंड यू कैन अरेंज द सीक्वेंस, उस हिसाब से भी अगर आपको सीक्वेंस में अरेंज करने को बोला जाता, सेम क्वेश्चन को अगर आपको सीक्वेंस में अरेंज करने को बोला जाता तो क्या होता, सबसे बड़ा यहाँ पे एशिया, उसके बाद नेक्स्ट कौन आता आपका, अफ्रीका, और देन उसके बाद आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और लास्ट में जो आता वो आपका ऑस्ट्रेलिया होता, तो वो भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता था. ओके गाइस, बी जितने लोग लिख रहे हैं, एशिया जितने लोग लिख रहे हैं, बिल्कुल सही. चलिए, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, एक बार रिफ्रेश कर लो, रिफ्रेश द पेज वंस, आपको देखने लग जाएगा. कैसे रिफ्रेश करोगे, या तो इस पर क्लिक कर देना, या फिर जहाँ आपका URL चल रहा है वहाँ लास्ट में रख के, लास्ट में रखना, लास्ट में रख के एंटर कर देना. ठीक है, दोनों ही तरीके से रिफ्रेश हो जाएगा. चलो, लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन.
नाउ दिस इज वॉट आई थिंक इज पॉसिबल. इस बार बताया है ना कि जीके विथ करेंट अफेयर्स, तो अब हमें लगता है कि एक क्वेश्चन आपका इंडेक्सेस में इंडिया का रैंक कितना है वहाँ से भी पूछा जा सकता है. दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल. ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स पूछा है जीके विथ करंट अफेयर्स, तो इंडिया का कहाँ कहाँ पे रैंक कितना है, एक दो यू हैव टू सी. सो टेल मी व्हाट इज इंडियाज रैंक इन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स. एनवायरमेंट रिलेटेड जितना भी चीज़ है हम उसमें कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें हमारा रैंक कितना है. ठीक है, पिछले साल से अभी रैंक कम हो गया है पहली बात. ठीक है, टोटल 180 में रैंकिंग होता है, तो 180 में हमारा रैंक कितना है ये आपने बताना है. ओके, वेरी गुड. जितने लोग यहां पे ऑप्शन नंबर ए लिख रहे हैं, 177 लिख रहे हैं, द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट. इंडियाज रैंक इन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स इज 177. देखो 77, 78, 79, 80, मतलब हम आखिरी से चौथे नंबर पे है. शुरुआत से चौथे नंबर पे नहीं, आखिरी से हम चौथे नंबर पे. सो हर रैंक इज़ रियली बैड. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, दैट इज़ वर्किंग. फिर उसके बाद इतने सारे हमने इनिशिएटिव्स लिए हैं, बट स्टिल स्वच्छ भारत अभियान के बारे में हम बात करें, बट स्टिल हमारा रैंक अभी एनवायरमेंट परफॉर्मेंस के हिसाब से कम होता जा रहा है, जिसे वी हैव टू इंक्रीज. ओके, चलो लेट्स कम टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे लिख रहे हैप्पीनेस इंडेक्स 131. ठीक है, वेरी गुड, सही. ओके ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स. अब सो दैट यू डू नॉट कन्फ्यूज इट विथ ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, बिकॉज बोथ आर डिफरेंट. ये मैं यहाँ पे एक स्टार लगा रही हूँ. This is important for your bank, for your SBI, for your SSC, for your railways, for every exam. Global Talent Competitiveness Index. Global Talent Competitiveness Index is different from Global Competitiveness Index. दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और दोनों अलग अलग चीज़ों में इंडिया का रैंक भी अलग अलग है. सो यू हैव टू टेल मी कि ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है. साथ ही साथ आपको क्वेश्चन में ही बता दिया गया है दैट एवरी ईयर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, काफ़ी ज़्यादा अभी न्यूज़ में था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो इसके पहले दिन में ये रिलीज़ किया जाता है आंसर क्या होगा. ओके, वेरी गुड. यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बहुत लोग लिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए भी बहुत लोग लिख रहे हैं, और 54 भी कुछ लोग लिख रहे हैं. ओके, सो गाइस लेट मी टेल यू, शर्मा बिल्कुल सही आपने यहाँ पे आंसर किया है. कमेंट्स थोड़ा काफ़ी जल्दी जा रहा है, सो आई एम अनेबल टू रीड ऑल द नेम्स, बट द करेक्ट आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट. 81 हमारा रैंक है ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में. आपने मुझे कमेंट करके ये बताना है कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है. ठीक है, 50 से भी नीचे सोचना या फिर 10 आप कूद जाना. हिंट मैंने दे दिया है, आप आंसर कर सकते हो. यू नो व्हाट डू आई मीन बाय 10 कूदना. ठीक है, हिस्ट्री से लेके अब तक अगर आप कंटिन्यूअस फॉलोअर हो तो 10 कैसे कूदते हैं आपको पता है. ठीक है, ओके चलो आगे बढ़ते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ न्यू स्पीसीज ऑफ नाइट फ्रॉग हैज बीन डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर मेवा सिंह एंड नेम्ड एज. देयर इज अ चैलेंज फॉर यू गाइस, इसमें एक चैलेंज है आपके लिए. ये क्वेश्चन आप में से जितने लोग अभी देख रहे हो, मोर देन योर अप्रॉक्सीमेटली 1500 व्यूअर्स जितने लोग अभी इस क्वेश्चन को लाइव देख रहे हो हमारे साथ, 40 बिल्कुल सही करेक्ट आंसर लास्ट क्वेश्चन का जितने लोगों ने दिया. Now, इसे let's play this. All those people who are watching right now, try to 100 is the rank for ease of doing business, guys. 100 is the rank of ease of doing business, and yes, that is also equally important. ठीक है, okay, इस पे आते. This is a tongue twister. ठीक है, यहाँ पे जितने भी नाम हैं वो आपको एक बार पढ़ने का कोशिश करना है, फिर हम आंसर में जाएंगे. Try to read the first name. Okay, let me make it easy for you first. निकटी क्या है सबसे पहला, निकटी.
बैक्ट्रचूस मेवा सिंघी, ठीक है, मेवा सिंह ने डिस्कवर किया है. सो यू हैव टू टेल इट इन वन सिंगल गो, एक ही बार में आपको ये बोलना है, ठीक है. निक्टी बैक्ट्रचूस मेवा सिंघी, ट्राई टू स्पेल इट लाइक दिस, दिस इज द चैलेंज, ओके. दूसरा वाला क्या है, थाइमिच थाइस पॉलिटस, ट्राई टू से इट इन वन सिंगल गो. तीसरा वाला बहुत फेमस हो चुका है, एन भूपति, इजी, सो यू कैन से दैट. एंड चौथा वाला क्या है, दैट इज सिस्तूरा लर्केटेंसिस, सो ट्राई टू स्पेल ऑल द फोर इन वन सिंगल गो, ओके. दिस इज अ टंग ट्विस्टर चैलेंज एंड लेट मी नो हाउ मेनी ऑफ यू कैन डू इट, ओके. जितने लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, एन भूपति, ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एक साइंटिस्ट भूपति, उन्होंने डिस्कवर किया है. एंड दिस इज अ फ्रॉग, एक मेंढक है जिसका फेस पिग के जैसा दिखता है, ओके. सो एन भूपति हैज डिस्कवर्ड अ फ्रॉग विद द फेस ऑफ अ पिग एंड द पर्सन भूपति हैज नेम्ड इट एज एन भूपति. बट यहाँ पे भूपति का डिस्कवर किया हुआ फ्रॉग नहीं पूछा है, मेवा सिंह के द्वारा डिस्कवर किया गया फ्रॉग पूछा गया है. तो आंसर क्या हो जाएगा, निक्ट्री बैक्ट्रचूस मेवा सिंघी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है. बट सी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता था. डन, ओके. सो पिंटू चेतवानी हैज ही वॉज एबल टू गिव द नेम्स करेक्टली, वो इसको सही से स्पेल कर पाए हैं. ओके, सही से स्पेल करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई रिमेंबर मे बी एक देर वॉज अ न्यूज़ रिपोर्टर, देर वॉज एन एंकर जिनका मोस्ट प्रोबेबली जॉब के ऊपर क्वेश्चन आ गया था बिकॉज ऑफ स्पेलिंग द नेम ऑफ प्रधानमंत्री जी इन अ रॉन्ग वे. वो बहुत पुराना बात था व्हेन आई वॉज इन माई स्कूल डेज, बट स्टिल, राइट, ओके. तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, थाइमिच थाइस पॉलिटस, दैट इज अ फिश जो कि आपका पैदल चल सकता है, द फिश कैन वॉक, ओके. और जो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है, दैट इज ऑल्सो अ न्यू डिस्कवरी, वो भी आपका एक नया स्पीसीज है जिसको डिस्कवर किया गया है. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए ए और सी, ये दोनों आपका रेलवेज के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, तो दोनों को आप याद रखिए, ठीक है. आगे बढ़े, चलो लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके. बुल फ्रॉग, ओके, इट लुक लाइक अ पिग बेसिकली. हाँ, द नेम्स आर ध्यानी कुमार, येस द नेम्स आर अ बिट डिफिकल्ट, ठीक है, ओके. चलो, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज गोल्डन फाइबर. गोल्डन फाइबर निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो आपने सुना होगा अभी यूएस चाइना का जो चल रहा है, यूएस बोला अच्छा चाइना तुम अपन के यहाँ पे ज़्यादा गुड्स को थ्रो कर रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है, चाइना भी गुस्सा हो गया. तो उसी तरीके से एक आपका इंडिया बांग्लादेश का भी थोड़ा बहुत जूट से रिलेटेड थोड़ा चल रहा है. इंडियंस हमारे यहाँ से हम लोग बोल रहे हैं कि बांग्लादेश ऐसा, बांग्लादेश से जो हम लोग जूट लेके आ रहे हैं सस्ते में और इंडिया में डंप कर रहे, इससे इंडिया में जो लोग जूट का प्रोडक्शन करते हैं उनको हानि हो सकता है. तो दैट थिंग इज़ इन न्यूज़, राइट. सो उससे रिलेटेड अगर आपको करंट अफेयर्स पूछा जाएगा तो रेलवेज में क्या होता है, डायरेक्टली वो तो नहीं पूछा जाएगा करंट अफेयर्स, वो आपका बैंक के लिए हो गया. सो रेलवेज के लिए ये पूछा जाएगा कि गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है. डंपिंग, यस, वेरी गुड, एंटी डंपिंग टैक्स लग सकता है या फिर दैट इज नोन एज डंपिंग, बिल्कुल. वेस्ट बंगाल में जूट का प्रोडक्शन होता है, बिल्कुल सही, ओके. सो गाइस, ऑल ऑफ यू जो यहाँ पे आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द करेक्ट आंसर, दैट इज योर जूट, बिल्कुल सही, ठीक है. चलो, लेट अस प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके. सो हमारे स्क्रीन पे दिखा दिया गया है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगेन, आई क्रिएट, सबने सुना होगा आई क्रिएट के बारे में. सो यू हैव टू से कि जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बार बार परेशान करते हुए फुल फॉर्म्स को देखा है. देखो, अब तक तो हमने इतने फुल फॉर्म्स देख ही लिया है कि आपको अगर आंसर एग्जैक्टली नहीं भी पता तो भी आप सही से तुक्का लगा जाओ, ठीक है. तो बिल्कुल सही करने का इसको कोशिश करना गाइस, ओके.
ओके हाँ, पीडीएफ अब आपको मिल रहा होगा और पुराने वाले पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है. ओके, सो आई कैन सी इंटरनेशनल सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ने इंटरनेशनल सेंटर फॉर इवोल्यूशन. अब देखो, इवोल्यूशन तो आप बायोलॉजी में चले जाओगे, एंड टेक्नोलॉजी नन ऑफ दी अबव. अब गेस करके भी आप सही आंसर दे सकते हो, एक भी गलत आंसर मुझे नहीं दिखना चाहिए. एक सी मुझे यहाँ पे दिखा, एक बी भी मुझे यहाँ पे दिखा, बट एक्सेप्ट दैट ऑल ऑफ यू आर आंसरिंग ऑप्शन नंबर ए. अब देखो, इसका तो हिंदी में होता तो भी सेम ही होता, राइट. ऑप्शंस तो आपके यही होते आई क्रिएट का, इंटरनेशनल सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्नोलॉजी. सो आंसर क्या है, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, नो डाउट्स. चलो आगे बढ़ते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ. ओके, एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विथ विच कंट्री डिड इंडिया साइन एन अग्रीमेंट टू अलाउ ऑटोमेटिक शेयरिंग ऑफ टैक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. भारत ने कौन से देश के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत जो टैक्स रिलेटेड डेटा हो वो ऑटोमेटिकली दोनों देश आपस में शेयर करेंगे. मतलब पहले आप इंडिया के बाहर जाके उधर अपना कोई खाता खोल के रखे हो और बहुत सारा पैसा उधर आपने लगा के रखा है, और सिंस दैट बैंक, दैट पर्टिकुलर बैंक, आपको पता चल रहा होगा मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, हैज़ एग्रीमेंट विथ इट्स कस्टमर कि हम अपना डेटा कि किस किस का अकाउंट है और किसके अकाउंट में कितना पैसा है ये किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, तो इंडियन गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन तक नहीं पहुँचेगा कि कितने लोगों ने कितना पैसा इधर रखा है. बट विद दिस एग्रीमेंट बिटवीन दिस टू नेशंस, नाउ दिस इंफॉर्मेशन विल बी शेयर्ड एंड द गवर्नमेंट विल गेट टू नो किसका कितना पैसा बाहर लगा है, किसने कितना पैसा स्विस बैंक के खाते में डिपॉजिट करके रखा है. ओके, वेरी गुड. सो ऑल दोज पीपल जो यहाँ पे स्विट्जरलैंड आंसर कर रहे हैं, जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आंसर कर रहे हैं, दैट इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. डी इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, ठीक है. तो अब हमने एक ऑटोमेटिक टैक्स शेयरिंग हमने साइन कर दिया है, एंड मोस्ट प्रोबेबली सेप्टेम्बर ऑफ 2000 दिस ईयर इटसेल्फ, 2018 के सेप्टेम्बर से ही हम लोग डेटा को शेयर करने लग जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है. और साथ ही साथ जो आपका आधार वगैरह लिंक करने का जो डेट था, इवन दैट इज़ अभी एक्सटेंडेड टू पता नहीं कब तक, ठीक है. एग्जैक्ट डेट इज़ नॉट मैंशन, बट आप अभी आगे चल के उसको लिंक कर सकते हो. देर इज़ नो सच लास्ट डेट कि 31st तक ही सब खत्म करना पड़ेगा, ठीक है. सो इवन दैट इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि इन सम ऑफ द स्टेट्स आधार आपका अभी पूरी तरीके से गया भी नहीं है. ओके, चलो, डी इज ऑफ कोर्स द करेक्ट आंसर. ओके, लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इंडिया है साइन, इंडिया का साइनिंग के बारे में बात कर रहे थे, एक और इंडिया ने क्या साइन किया है, ऐसा क्वेश्चन हम देख लेते हैं. इंडिया है साइन बाइलेटरल, दो के बीच में, एनुअल हज 2018, ठीक है. तो मुस्लिम पिलग्रिमेज के तहत आपको पता है कि इफ़ यू कैन, यू मस्ट विजिट दिस प्लेस वंस इन योर लाइफ टाइम, आपको एक बार कम से कम ज़रूर विजिट करना चाहिए, ठीक है, ऐसा कहा जाता है. और विथ माई नॉलेज आई जस्ट नो दिस मच. सो आपको ये बताना है कि एनुअल हज 2018 एग्रीमेंट के तहत, तो आपको पता ही है कहाँ पे होता है, आपको पता ही है मक्का मदीना कहाँ है, तो उसके हिसाब से भी आप सही आंसर कर सकते हो कि किसके साथ हमने ये एग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है. और अभी से एक नया चीज़ ये है कि वाटर वेस्ट को हम यूज़ करेंगे, तो एक आपका ये भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव इट इज़ मे बी कि पहले आपका जो था पानी से जाने में, 1995 के बारे में बात करें, वाटर रूट से जाने में आपका लगभग 15 दिन लग जाता था, बट नाउ इट विल टेक ओनली 3 to 4 days, और आप वाटर वे से भी, ओके, विच कैन कैरी लगभग 5000 लोगों को लेके जा सकती है, तो वाटर वे से भी यू कैन रीच देयर. ओके, सो यस, वेरी गुड. जितने लोग यहाँ पे ए लिख रहे हैं, जितने लोग यहाँ पे सऊदी अरेबिया लिख रहे हैं, द आंसर्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है. ओके, चलो, लेट अस प्रोसीड
आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट इसके तहत आपको सब्सिडी नहीं मिल सकता है, ठीक है? ओके, अदरवाइज यू कैन गो फॉर सऊदी अरेबिया. अगर आप जाना चाहते हो तो आप सऊदी अरेबिया जा सकते हो, बट इस सब्सिडी के तहत आप नहीं जा सकते हो. एंड येस, देर मे बी सम अदर रिस्ट्रिक्शंस अबाउट एंटरिंग द रिलीजियस प्लेसेस. ओके, सो दैट इज पॉसिबल. चलो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज़ द न्यू नेम ऑफ तीन मूर्ति चौक. दिल्ली में है ना तीन मूर्ति चौक, तो इसका नया नाम अभी क्या होने जा रहा है ये आपको बताना है, ठीक है? अब देखो, वैसे तो औरंगजेब लेन को लेके भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी था, बट दिस इज़ नॉट अ कंट्रोवर्सियल क्वेश्चन. ये आपका एक फ्रेंडशिप वाला बात है यहाँ पे, कि हम इज़राइल के साथ अपना दोस्ती भाईचारा यहाँ पे दिखा रहे हैं. साथ ही साथ हम आपको ये भी याद दिला दें कि जो इज़राइल पैलेस्टीन वाला इशू था ना, उसमें भी इंडिया ने यूएस का सपोर्ट नहीं करते हुए हमने क्या किया, हमने कहा कि अच्छा यूएस तुम क्या बात कर रहे हो, तुमने ऐसे ही कैसे बोल दिया कि कैपिटल को इधर उधर कर दिया, ठीक है? तो वी डिड नॉट वोट विथ और वी डिड नॉट गो विथ यूएसए इन दैट इशू ऑल्सो, ठीक है? तो अब हमने क्या किया, दोस्ती दिखाया इसराइल के साथ और हमने इसका नाम चेंज करके कौन सा चौराहा रखा है. ओके, वेरी गुड, हाफिया चौक. तो जितने लोग यहाँ पे लिख रहे हैं हाफिया चौक, बिल्कुल सही, तीन मूर्ति हाफिया चौक. सो ए इज द करेक्ट आंसर. यार मैंने शुरू में एक बात कहा था कि आज का लेवल थोड़ा ऊपर होने वाला है, क्योंकि टुडे इज़ द 22nd डे, बट आई कैन सी दैट कुछ ऊपर नहीं है. आप लोगों के लिए क्वेश्चंस आर स्टिल वेरी इजी, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू आर स्टिल गिविंग एकदम करेक्ट आंसर, ठीक है? तो यहाँ पे इज़राइल चौक डायरेक्टली हम नहीं बोलेंगे, या फिर इज़राइल हाफिया चौक और तीन मूर्ति हाफिया चौक. सो ए इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हियर, ठीक है? देखो यहाँ पे एक हाफिया वॉर जैसा, एक लड़ाई जैसा हुआ था वंस अपॉन अ टाइम, ठीक है? तो हमने यहाँ पे भाईचारा दिखाया था और यहाँ पे ये चौक का स्टार्ट हुआ था, ठीक है? दिस वॉज द थिंग ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन के आसपास का, ये आपका चीज़ें है. ओके, सो दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, जस्ट द चेंज इन नेम, बस इतना ही आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है? चलो आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वज्र प्रहार, वज्र से प्रहार, ठीक है? ऐसा कुछ. वज्र प्रहार इज अ जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज विच बिगिन इन 2010 इज बिटवीन इंडिया एंड, ठीक है? आंसर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा. इंडिया एंड श्रीलंका स्लिनेक्स बहुत हो चुका है, बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा. तो कुछ और आंसर करना, वज्र प्रहार किस किस के बीच में है, ठीक है? थोड़े टाइम, हाँ मुझे पता था राहुल, दैट्स व्हाई आई सेड कि श्रीलंका आंसर मत करना, बी आंसर नहीं है. श्रीलंका SL स्लिनेक्स, तो जहां जहां वो वाले नाम है उनको हटा दो, कुछ और लिखो. US, वेरी गुड, ऑल दोज पीपल जो यहाँ पे US लिख रहे हैं, US इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? ये वज्र प्रहार आपका 2010 से शुरू हुआ था, ठीक है? कभी इंडिया में होता है, कभी US में होता है, तो इसका सही आंसर क्या है? आंसर विल बी A, दैट इज US, ठीक है? चलो लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन इज नॉट अ पोर्ट ऑन द ईस्ट कोस्ट. निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट कोस्ट, यानी कि भारत के ईस्टर्न पार्ट में, ठीक है, पूर्वी तट में नहीं है, ये आपको बताना है. कौन पूर्वी तट में नहीं है? कोलकाता ईस्ट कोस्ट, ठीक है? पारादीप कहाँ? ईस्ट कोस्ट. उसके बाद विशाखापट्टनम कहाँ? ईस्ट कोस्ट. तो कौन नहीं है, जल्दी बताओ कौन नहीं है. ओके, कोची, बिल्कुल सही सचिन, और बिल्कुल सही बाकी जितने लोग अभी आंसर दे रहे हैं. दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी, कोचीन, दैट इज इन योर वेस्टर्न पार्ट, सो दैट इज इन योर वेस्ट कोस्ट. तो ये आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. क्वेश्चन एक बार हिंदी में भी दिखा दिया जाए स्क्रीन पे, और आप देख रहे हो कि निम्न में से कौन सा एक पश्चिमी तट पर आपका. ओके, ठीक है, इसमें देखो एक बार प्रीवियस क्वेश्चन पे जाइए, इंग्लिश क्वेश्चन पे जाइए एक बार फिर से. इसमें इंग्लिश हिंदी में एक आपका क्लरिकल एरर हो गया है. क्वेश्चन में कौन नहीं है ईस्ट कोस्ट पे पूछा गया है, मतलब
पूर्वी तट पे कौन नहीं है ये पूछा गया है। हिंदी का क्वेश्चन छोड़ दो, हिंदी को आप हटा दो, सिर्फ इंग्लिश में देख के इसका आंसर करो। तो आंसर क्या हो जाएगा, कोची हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि इसके साथ हमने आज के क्लास में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कवर किया है और आप सभी ने यहाँ पे सही सही आंसर हमारे साथ शेयर किया है। बिल्कुल केरला में है, बिल्कुल सही आपने लिखा है इंद्रजीत पटेल, बिल्कुल सही। ओके चलो, सो इसके साथ हमारे पास एक और इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। तो आप देख पा रहे हो इस इन्फॉर्मेशन में, दिस इज अबाउट मेगा सुप्रीम जो आप खरीद सकते हो 30 मार्च 2018 के मिडनाइट तक, जहां आपको बैंक एसएससी के वीडियोस मिल रहे हैं और कंबाइंड वीडियोस, और बात यह कि वीडियोस है और साथ ही साथ आपका ई बुक्स और मॉक टेस्ट भी है जिसे आप परचेस कर सकते हो। ठीक है गाइस, ओके तो एक बार वापस आएंगे हम स्क्रीन पे और आपसे ये कहेंगे कि दोबारा हम आप लोगों के साथ ज़रूर मिलेंगे और दोबारा से हम क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन तब तक के लिए कीप ऑन रिवाइजिंग एंड कीप ऑन डूइंग मोर एंड मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि एग्जाम अभी ज़्यादा दूर नहीं है, अप्रैल मई में एग्जाम विल बी कंडक्टेड। एंड बिफोर लीविंग हिट द लाइक बटन वंस, एक लाइक करके जाइएगा वीडियो को। एंड राकेश, आई विल ट्राई टू मेक श्योर अबाउट द PDF, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। दिस इज अंतरा साइनिंग ऑफ फ्रॉम अड्डा 247। सी यू अगेन, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।